एपिसोड 80 अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं। इन्ह प्रणाम चरण धरे माथा दीनी आशीष मुदित मुनि नाथा विप्र वृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राऊ अनंदे कुशल प्रश्न कही बारही बारा विश्वामित्र नृपही बैठारा तेहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित छोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन फूल कीत गाता मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु बिसेखी प्रेम मगन मनु जानी नृप करी विवेक धरि धीर बोले मुनि पद नाय सिर गद गद गिरा गभीर कहु नाथ
सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किन्नृप कुल पालक ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय वेश धरि की सोई आवा सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ कहु नाथ जनि करहु दुराऊ इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा कह मुनि बिहसी कहे नृपनी का बचन तुम्हार न होई अली का हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी मन मुसुकाही राम सुनी बानी रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए राम दो बंधुवर रूप सील बल धाम मख राखे उ सब साखी जग जिते असुर संग्राम मुनि तव चरण देखी कहराऊ न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ सुंदर श्याम गौर दो ध्याता आनंद हो के आनंद दाता इन्हके प्रीति परस पर पावनी कही न जाई मन भाव सुहावनी सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु पुलक गात उर अधिक उछाहु मुनि ही प्रसंसी नाई पद सीसु चले उलवाई नगर अवनीसु सुंदर सदन सुखद सब काला तहां बासु ले दीन भुआला करी पूजा सब विधि सेवकाई गयउ राऊ गृह विदा कराई ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजनु विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरी जानु